इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से इस कहानी का पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हम मैथ्यू को देखते हैं, जो कि उसी प्लेस पर होते हैं जहां पर पिछले पार्ट के विक्टिम्स लॉक थे। वहां पर मैथ्यू को कटा हुआ पैर नजर आता है, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि इन जंजीरों से आजाद होने के लिए उसे अपने पैर को बॉडी से अलैदा करना होगा, जिसके बाद मैथ्यू अपने पैर को काफी बुरी तरह से तोड़कर उसे बॉडी से अलैदा कर देता है। सीन चेंज हो जाता है और अब हम जिग्सॉ के ट्रैप में फंसे हुए एक और विक्टिम को देखते हैं। उस शख्स की पूरी बॉडी में बहुत सारी जंजीरें लगी होती हैं। उसी दौरान ही टीवी ऑन हो जाती है। जिग्सॉ उसे बताता है कि तुम्हें एक एक करके इन सारी जंजीरों को वक्त रहते अपनी बॉडी से अलैदा करना होगा, और अगर टाइम पूरा होने के बाद भी तुम इसे अपनी बॉडी से अलग नहीं कर पाए तो रूम में रखा बम खुद ब खुद ही ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे तुम्हारी बेहद ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाएगी। ये सुनकर वो शख्स काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो मुसलसर चेन्स को अपनी बॉडी से अलग करने लगता है, लेकिन वक्त अब पूरा हो गया था और जिग्सॉ के रूल्स के मुताबिक उस रूम में रखा बम ब्लास्ट हो जाता है। बाद में कुछ ऑफिसर्स उस रूम के डोर को ब्रेक करके वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं। वहीं पर हम मैथ्यू की असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि ये केस हैंडल कर रही होती है। वो ऑफिसर अपने बाकी ऑफिसर को बताती हैं कि बाकी विक्टिम्स की तरह जिग्सॉ ने इसे भी अपने ट्रैप में फंसाया होता है। वो उन्हें बताती हैं कि ये शख्स अगर अपनी सारी जंजीरों को बॉडी से अलग कर भी देता तब भी ये मारा जाता, क्योंकि उस रूम का डोर ही सील किया गया था, जो कि जिग्सॉ के रूल्स के खिलाफ था, क्योंकि जिग्सॉ के विक्टिम्स जब उसके दिए हुए टास्क को पूरा कर लेते थे तो जिग्सॉ उन्हें जाने देता था, वो उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। बाद में वो लेडी उस वीडियो क्लिप को देखकर केस को समझने की कोशिश करने लगती है। उसी दौरान ही टीवी स्क्रीन पर वो खुद दिखने लगती है, तभी पिग का नकाब लगाए शख्स उसे पकड़ लेता है। बाद में जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को जिग्सॉ के ट्रैप में फंसा हुआ देखती है। जिग्सॉ उसे बताता है कि टाइम खत्म होने से पहले ही तुम्हें इस ट्रैप से बाहर आना होगा। वो उसे बताता है कि इस डिवाइस को अनलॉक करने के लिए तुम्हें एसिड से भरे ग्लास से की को हासिल करना होगा, क्योंकि अगर तुमने देर कर दी तो की उसी एसिड में मिक्स हो जाएगी। वो लेडी बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से उस एसिड से की को बाहर निकाल लेती है। इससे उस लेडी का हाथ भी काफी बुरी तरह जल जाता है। खैर, बाद में वो शख्स उस की से डिवाइस को अनलॉक करने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो ट्रैप अनलॉक नहीं होता है और टाइम पूरा होने के बाद वो ट्रैप उसके हिप्स को बॉडी से अलैदा कर देता है, जिससे उस लेडी की काफी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। ये सब देखकर कंफर्म हो जाता है कि जिग्सॉ पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि जिग्सॉ अपने ही बनाए हुए रूल्स को ब्रेक कर रहा था। इस बार जिग्सॉ ने ऐसे ट्रैप्स बनाए होते हैं कि उसके विक्टिम्स कभी भी उससे आजाद नहीं हो सकते थे, यानी उनकी डेथ होना पहले से ही तय होती है। इसके बाद सीन लेडी डॉक्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसका नाम लिन होता है। लिन की प्रोफेशनल लाइफ काफी बढ़िया होती है, लेकिन उसके पर्सनल लाइफ में काफी सारे इश्यूज होते हैं, जिसके चलते वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहती थी। लिन जब अपने घर जाने वाली होती है तो उसी दरमियान ही पिग का नकाब लगाए शख्स उस पर अटैक कर देता है। बाद में जब उसकी आँख खुलती है तो वो किसी और ही प्लेस पर होती है। वो प्लेस असल में जिग्सॉ का अड्डा था। वहीं पर हम अमांडा को भी देखते हैं, जो कि जिग्सॉ की पार्टनर होती है और वो ही पिग का मास्क लगाकर लोगों को किडनैप किया करती थी। बाद में अमांडा लिन को लेकर जिग्सॉ के पास जाती है और वो उसके नेक पर एक डिवाइस लगा देती है, जो कि असल में जिग्सॉ की हार्ट बीट से कनेक्टेड था। यानी अगर जिग्सॉ की हार्ट बीट रुकी या उसकी डेथ हुई तो दोनों ही सूरतों में लिन की जान जा सकती थी। जिग्सॉ उसे बताता है कि उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है, जिस वजह से उसकी हेल्थ लगातार बिगड़ती ही जा रही है। उसे कुछ भी करके जिग्सॉ का ट्रीटमेंट करके उसे बचाना होगा,
नहीं तो अंजाम उसे पता ही है। अगर उसे इस डिवाइस को अपनी बॉडी से अलग करना है तो इसके लिए सिर्फ जिगसॉ का इलाज करना होगा और तब तक वेट करना होगा जब तक दूसरा विक्टिम अपने सारे टास्क कंप्लीट न कर ले। इधर हम जिगसॉ के दूसरे विक्टिम को देखते हैं जिसका नाम जेफ होता है। जिगसॉ ने जेफ को अपना विक्टिम इसीलिए बनाया होता है क्योंकि काफी वक्त पहले उसके छोटे बेटे की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिस वजह से वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था कि उसे अपने बेटे को भूलने के लिए ड्रग्स का सहारा लेना पड़ा। इसके चलते वो अपनी बेटी पर भी कोई भी ध्यान नहीं देता था। इसके साथ ही वो अपनी बेटी को काफी ज्यादा डांटता भी था। वो हर वक्त बस उस ड्राइवर से रिवेंज लेने के बारे में सोचता रहता था, वो ड्राइवर जिसकी गलती की वजह से उसका बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। उसके रिवेंज लेने के जुनून को देखकर ही जिगसॉ ने उसे अपना विक्टिम बनाया होता है। बाद में जेफ को वहाँ पर टेप मिलती है जो कि जिगसॉ ने ही उसके लिए खा होता है। जिगसॉ उसे बताता है कि जेफ, मुझे पता है कि तुम्हें उस ड्राइवर की तलाश रहती है जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा मारा गया। अगर तुम उस ड्राइवर तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें तीनों टास्क को पूरा करना होगा। जिगसॉ की बातों को सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ से अपने पहले टास्क की तरफ बढ़ने लगता है। इधर लिन अमांडा को बताती है कि जिगसॉ की कंडीशन लगातार बिगड़ती जा रही है। अगर जिगसॉ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। इधर जेफ दूसरे रूम में आ जाता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। जेफ को सामने एक लेडी नजर आती है। जिगसॉ ने उसे इस वजह से अपने ट्रैप में फंसाया होता है क्योंकि जब जेफ की बेटे की डेथ हुई थी तो उस इंसिडेंट की इकलौती गवाह वही लेडी थी, लेकिन उसने जेफ की हेल्प करने के बजाय वहाँ से भागना ही सही समझा। वो लेडी जेफ से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे सेव कर ले। अब जबकि उस लेडी को अपनी गलती का एहसास हो गया होता है जिस वजह से जेफ उसे बचाने का डिसाइड करता है, लेकिन अब इन सबका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि टैप से पानी उस पर गिरने लगता है जिस वजह से उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और वो मारी जाती है। बाद में जेफ अपने दूसरे टास्क की तरफ बढ़ने लगता है। उसे वहाँ पर वही जज नजर आता है जो कि उसके बेटे का केस हैंडल कर रहा था और उसने उस ड्राइवर को सिर्फ 6 महीने की ही सजा सुनाई थी, जिस वजह से जिगसॉ ने उसे भी अपने ट्रैप में फंसा लिया होता है। अगर जेफ अपने रिवेंज को छोड़कर उस शख्स को बचाना चाहता है तो उसे अपने मरे हुए बेटे के सारे टॉयज जलाने होंगे, जिसके बाद ही उसे की मिलेगी जिसकी हेल्प से वो उस जज को बचा सकता है। टाइम स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे गले सड़े पिग आने लगते हैं जिन्हें ग्राइंड करके उस बॉक्स में डाला जाता है। ऐसा ही करके उस बॉक्स को पूरी तरह से फिल कर दिया जाएगा जब तक कि उस जज की डेथ न हो जाए। ये देखकर जेफ अपने रिवेंज को साइड में रखता है और वो उस शख्स को बचाने का डिसाइड करता है जिसके लिए वो अपने बेटे के सारे टॉयज को जला देता है, जिसके बाद ही उसे की मिल जाती है। बाद में जेफ उसकी की हेल्प से जज को उस ट्रैप से आजाद कर लेता है। इधर जिगसॉ की कंडीशन लगातार बिगड़ती ही जा रही थी, जिस वजह से लिन वही पर उसका ऑपरेशन करने लगती है, जिसके चलते जिगसॉ को काफी बेहतर फील होता है। उसी दरमियान ही जिगसॉ लिन को पसंद करने लगता है। ये देखकर अमांडा को काफी ज्यादा बुरा फील होता है और यहाँ हमें पता लगता है कि असल में जिगसॉ के जो ट्रैप्स थे वो अमांडा ही बना रही होती है, क्योंकि उसका मानना था कि किसी भी विक्टिम को जीने का दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि कुछ टाइम बाद वो विक्टिम फिर से पहले जैसा हो जाएगा। वो कभी भी अपनी लाइफ की अहमियत नहीं समझ पाएगा। इस वजह से ही अमांडा ही सारे ट्रैप्स बनाती थी ताकि अगर विक्टिम सारे टास्क को अच्छे से पूरा करें तब भी वो मारा जाए, उसे बचने का कोई भी चांस न मिले। इधर जेफ अपने आखिरी टास्क को कंप्लीट करने के लिए दूसरे रूम में जाता है। वहाँ पर जेफ को वो ड्राइवर मिल जाता है जिसकी गलती की वजह से उसके बेटे की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई होती है। उस शख्स को ऐसे ट्रैप में फंसाया गया था
कि उस डिवाइस के मूव होने के साथ ही उस शख्स की सारी हड्डियां टूट सकती थी, जिससे उस शख्स की बहुत ही बुरी तरह मौत हो सकती थी। ये देखकर जेफ उसे भी माफ करता है और वो उस की को हासिल करने की कोशिश करने लगता है, जो कि ग्लास से बने बॉक्स के अंदर होती है। उस की के साथ एक गन भी लगी हुई होती। जब जेफ उस की को निकालता है तो उसी दरमियान ही गन ट्रिगर हो जाती है, जिस वजह से जज की मौत हो जाती है। इसके साथ ही जेफ उस ड्राइवर को भी नहीं बचा पाता है। इधर अमांडा जिग्सॉ को बताती है कि जेफ ने अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, जिस वजह से उसे लिन की बॉडी से उस डिवाइस को अलैदा करना होगा। ये सारी बातें सुनकर अमांडा जिग्सॉ पर भड़क जाती है और वो उसे बताती है कि जिग्सॉ का ये तरीका उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका मानना था कि किसी भी विक्टिम को दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दोबारा मौका मिलने पर भी वो शख्स कुछ वक्त बाद पहले जैसा ही हो जाएगा। वो जिग्सॉ को बताती है कि डिटेक्टिव मैथ्यू ने अपने पैरों को चैन से आजाद कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मैथ्यू पर अटैक करके उसे बहुत ही बुरी तरह मार दिया था। इधर जेफ को गन के साथ एक नोट भी मिलता है, जिस वजह से जेफ आहिस्ता आहिस्ता करके उस रूम की तरफ बढ़ने लगता है जहां पर जिग्सॉ और बाकी लोग मौजूद होते हैं। इधर अमांडा लिन पर गन से अटैक कर देती है, तभी ठीक वक्त पर जेफ भी वहां पर आ जाता है और वो गुस्से में अमांडा पर गन से अटैक कर देता है। यहाँ हमें रिवील होता है कि असल में जेफ लिन का हस्बैंड है, जिस वजह से ही उसने अमांडा पर अटैक किया होता है। जिग्सॉ उसे बताता है कि असल में ये सारे टास्क उसने अमांडा के लिए ही रखे थे, क्योंकि वो काफी टाइम से बेवजह ही विक्टिम्स को काफी दर्दनाक मौत दे रही थी। वो उसे बताता है कि टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसे लिन की जान नहीं लेनी थी। जिग्सॉ जेफ को बताता है कि वो लिन के लिए एम्बुलेंस को बुला सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक और टास्क को कंप्लीट करना होगा। या तो वो जिग्सॉ को मार दे या फिर वो उसे अलाइव छोड़ सकता है, लेकिन जेफ मशीन से जिग्सॉ की गर्दन ही अलैदा कर देता है, जिस वजह से उसकी हार्ट बीट रुक जाती है और हार्ट बीट रुकने से लिन की बॉडी में लगा डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिग्सॉ के हाथ पर रखा टेप ऑन हो जाता है और उसे पता लगता है कि उसने जेफ की बेटी को ऐसी प्लेस पर रखा हुआ है जहां पर कोई भी शख्स नहीं पहुंच सकता है, यानी जिग्सॉ के मरने के बाद जेफ की बेटी हमेशा के लिए उसी रूम में ही लॉक हो गई थी। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।